This is Paromita, and I will start this vlog at night. Yeah, this is so weird. I haven't started any of my vlog from night. So yeah, the thing is, I just have one question in the starting of my vlog, that have you ever think that your breakfast is in front of you when you wake up in the morning and you don't have to do anything, and none of the people has done anything from your family, and your breakfast is just in front of you? So yeah, I'm going to share with you a overnight recipe in which you have to take few things, you have to mix it, and your breakfast is ready, and you'll get that breakfast in front of you in the morning. So let's get started with the breakfast recipe. ओवरनाइट ओट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए ओट्स. आप कोई भी ओट्स यूज़ कर सकते हैं. मैंने ये स्पून से इसका मेजरमेंट किया है और इसमें 6 स्पूंस है. एंड सबसे पहले से डाल देंगे, एंड देन उसके बाद में ये है चिया सीड्स, ये मैं इसमें डाल दूँगी. आप चाहे तो फ्लैक्स सीड्स भी डाल सकते हैं. एंड इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर. एंड देन इसके बाद में मैं इसमें थोड़ा सा हनी ऐड करूँगी. अगर आप नहीं चाहते तो स्किप कर सकते हैं. एंड या दैट्स इट. इसके बाद में हम डालेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है मिल्क. मिल्क डाल के उसके बाद में हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, एंड देन हम इसे ढक के फ्रिज में रख देंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ब्रेकफास्ट, जो कि रेडी है. बस ऊपर से मुझे टॉपिंग्स लगाना है. Open up. You OPN. Hit you on BBM. We should be closer than friends. If you OPN. Engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take the high road and hop in. Open up, OPN, OPN. So now I am leaving for our lunch. Our lunch में आज हम खाने वाले हैं बिरयानी. Yeah, I'm so much excited because I love biryani. So हम just अभी निकल रहे हैं, and it's around 1 o'clock. And yeah. बहुत अच्छी सी नींद पूरी हो गई है, बिकॉज आज मैंने राइस खाया था इसकी वजह से. एंड इतना फुल लग रहा है कि डिनर तो मुझसे कुछ ना हो पाए, कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है. मैं आराम से दोपहर को सो गई थी और मैं उठी हूँ 6:30 बजे, एंड अभी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है. बट अभी डिनर में कुछ तो नहीं खाने वाली हूँ मैं. बट हाँ, एक चीज़ आई है घर पे जो कि मैं खाने वाली हूँ, और वो है मेज़, यानी कि भुट्टा. इस सीज़न का पहला भुट्टा. यस, बहुत दिनों से मैं मार्केट जा रही थी, मैं सोच रही थी लेकर आऊँगी बट नहीं लेके आ पा रही थी. बट इस बार हम गए थे सैटरडे को सब्जी बाज़ार, तो लेकर आए हम मेज़, और वो खाने वाले हैं हम आज. तो वही मेरा डिनर होगा, बिकॉज उसके बाद तो पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बचने वाली है कुछ भी खाने के लिए. मतलब इतना खाया ना मैंने. बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे हैदराबाद बहुत ज़्यादा पसंद है. और वाओ, वैसे तो हम बाहर भी खाते हैं. जब हम बाहर कभी भी किसी हिल स्टेशन पे जाओ या कहीं घूमने जाओ और बारिश हो रही हो, वहाँ पर तो खाने का मज़ा ही कुछ और है. बट अभी हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं तो घर पे भी लेकर आते हैं, एंड ये बनाया है मेरे हस्बैंड ने. तो हमें यूपी साइड का भुट्टा उतना टेस्टी नहीं होता, बट यहाँ का भुट्टा ऑसम, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी.
And this is a very good snacking option because ये आपके calories में काफ़ी कम होता है and this is very very good for health. So you can have it in your evening snack or in your dinner also if you are having very light dinner then जैसे आज मैं कर रही हूँ. सो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग को एंड करती हूँ बिकॉज आज की सेवा समाप्त, मेरा दिन हो चुका है कंप्लीट और मैंने कोई भी डिनर नहीं किया बिकॉज पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है. अभी मैं थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ, वॉक करके मैं सो जाऊँगी क्योंकि कल से है ऑफिस और टाइम पे उठना है बिकॉज जिम जाना है, ऑफिस जाना है और जो डेली होम स्टफ वो सारी चीज़ें. सो या कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड हिट द बेल आइकन टू गेट माई लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स. सो या बाय.